नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है हमने पिछले वीडियो पे एच टी बी हैक द बॉक्स स्टार्टिंग पॉइंट टीयर वन के अपॉइंटमेंट मशीन को क्रैक किया था नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट मशीन ऑन हैक द बॉक्स स्टार्टिंग पॉइंट टीयर वन दैट इज सिकल इफ यू हैव वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ यू नो द ड्रिल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी कनेक्टेड थ्रू वी पी एन तो सबसे पहले जहाँ पे आपने अपना वी पी एन फाइल डाउनलोड किया था वो डायरेक्टरी पे जाना है और उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल उसके बाद टाइप करना है sudo ओपन VPN पी एन और फिर अपना जो फाइल डाउनलोड हुआ है उसका नाम सूडो पासवर्ड एंटर करके फिर एंटर ओके okay, अभी ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया अभी हैक द बॉक्स के वेबसाइट को ओपन करते हैं हैक द बॉक्स का ये डैशबोर्ड पेज है उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट फिर टीयर वन और सीक्वल सबसे पहले मशीन को ऑन कर लेते हैं मशीन को ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए आपको पेशेंटली इसका वेट करना है मशीन ऑन होने के बाद हमें एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा मशीन का तो उसे चेक करने के लिए पहले आईपी एड्रेस पे क्लिक कीजिए ये अभी कॉपी हो गया है नेक्स्ट एक टर्मिनल ओपन करके टाइप करना है पिंग और उसके बाद राइट क्लिक और पेस्ट या आई पी एड्रेस पेस्ट हो गया फिर एंटर तो देख सकते हैं आपकी सक्सेस रिप्लाई आ रहा है तो सक्सेसफुली अभी मशीन से हम कनेक्ट हो गए हैं नेक्स्ट अभी एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज़ द एक्रोनिम एक्स क्यू एल स्टैंड फॉर एक्स क्यू एल एक डेटाबेस का टाइप है और इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एस टी आर यू सी टी यू आर ई डी क्यू यू ई आर ओ लैंगी जी लैंग्वेज सबमिट अच्छा ड्यूरिंग आवर स्कैन हुई पोर्ट रनिंग ऑन रनिंग माई सिक्वल डू वी फाइंड तो वो पता करने के लिए अभी हमको एन मैप का स्कैन करना पड़ेगा टर्मिनल ओपन कीजिए और फिर टाइप कीजिए एन मैप आईफन एस बी फिर आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस हमने कॉपी कर रखा है तो राइट क्लिक और पेस्ट हिट एंटर तो अभी एन मैप का स्कैन चालू होगा और इसका रिज़ल्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगता है ये सारे पोर्ट्स एक एक करके चेक करेगा तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए ओके तो अभी अपना एन का स्कैन रिज़ल्ट आ गया है तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पोर्ट नंबर थ्री थ्री जीरो सिक्स पे माई रनिंग है तो इसका आंसर होगा पोर्ट नंबर थ्री थ्री जीरो सिक्स तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्युनिटी डेवलप्ड माई एस क्यूएल वर्जन इज द टारगेट रनिंग तो टारगेट पे माई एक्स क्यूएल का कौन सा कम्युनिटी डेवलप्ड वर्जन चल रहा है तो उसे स्कैन करने के लिए एन मैप हाइफन एस सी एस सी जो है डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन करेगा स्क्रिप्ट यूज़ करके स्कैन करेगा तो उससे हमें एक डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगा उसके बाद पोर्ट स्कैन करने के लिए एस और कैपिटल भी क्योंकि हमें पोर्ट का पता चल गया है कि आई एस क्यू एल जो है पोर्ट नंबर थ्री थ्री ज़ीरो सिक्स पर चल रहा है तो पोर्ट स्पेसिफाई करने के लिए हाइफन पी उसके बाद पोर्ट नंबर थ्री थ्री ज़ीरो सिक्स उसके बाद आईपी एड्रेस टेन डॉट वन ट्वेंटी नाइन डॉट नाइन फाइव डॉट टू थ्री टू एंटर एल का स्कैन रिज़ल्ट थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाई कर दिया है तो ये सारा पोर्ट स्कैन नहीं करेगा बस पोर्ट थ्री थ्री जीरो सिक्स को ही स्कैन करेगा और हमें रिज़ल्ट देगा फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो पेशेंटली इसका वेट कीजिए रिज़ल्ट आने तक देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है तो अभी हमारा एमएप का स्कैन रिज़ल्ट आ गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोर्ट नंबर थ्री थ्री ज़ीरो सिक्स पे माई एस क्यूएल चल रहा है और माई एस क्यूएल का जो वर्जन है वो है फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू सेवन हाई मरिया डी बी तो ये जो कम्युनिटी वर्जन बोल रहा है वो है मरिया डी बी वट स्विच डू वी नीड टू यूज़ इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई ए लॉग इन यूजर नेम फॉर माई एस क्यूएल सर्विस तो माई एस क्यू एल सर्विस के लिए अगर यूजर नेम स्पेसिफाई करना है कनेक्शन के लिए तो वो कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो आपके पास ये टेस्ट करने के लिए माई एस इंस्टॉल होना चाहिए अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करने के लिए कमांड है सूडो एप्ट इंस्टॉल माई एस स्टार एंड में जो स्टार सिंबल यूज़ किया गया है वो माई एस का सारे अवेलेबल रिलेटेड पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा तो इंस्टॉल करने के बाद हम चेक कर सकते हैं माई एस क्यू एल डैश डैश हेल्प हेल्प सेक्शन में जाके हम लोग देख सकते हैं कि यूज़र नेम स्पेसिफाई करने के लिए क्या है यूज़र नेम स्पेसिफाई करने के लिए हमें हाइफ़न और फिर स्मॉल लेटर यू कैपिटल लेटर यूज़ अगर आप करेंगे तो इसके लिए ओनली अलाउ टू अपडेट एंड डिलीट दैट यूज़र की यूज़र की को अपडेट और डिलीट करने के लिए कैपिटल यू यूज़ किया जाता है अगर आ, मतलब यूज़र ने स्पेसिफाई करना है तो हमें आईपेन और स्मॉल यू को यूज़ करना होगा तो इसका आंसर होगा आई पेन स्मॉल यू

विद इन द क्वेरी दैट वी वॉन्ट टू डिस्प्ले एवरीथिंग इन साइड ए टेबल तो माई एस क्यूएल में जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि माई एस क्यूएल का क्वेरी जो होता है उसमें अगर आप स्टार या एक्स्ट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो एक टेबल पर जितने भी कॉलम्स और रोज हैं वो सारे दिखाता है तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा स्टार या फिर एस्ट्रिक्स जिसको बोलते हैं what symbol डू वी नीड टू एंड इच क्वेरी तो माई एक्ल में हर एक क्वेरी को एंड करने के लिए सेमी कॉलन का यूज किया जाता है तो इसका आंसर होगा सेमी कॉलन ठीक है अभी हमने सात टास्क कंप्लीट कर लिए हैं आखिरी सबसे आखिरी टास्क जो कि फ्लैग सबमिशन का है वो बचा है तो उसके लिए हमें आ, ये जो सर्वर है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए टाइप कीजिए माई एस क्यू एल उसके बाद एच ये हाईपेन एच जो है ये होस्ट एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए है तो होस्ट एड्रेस अपना क्या है टेन डॉट वन ट्वेंटी नाइन शायद यही है एक बार चेक कर लेते हैं होस्ट एड्रेस है अपना टेन डॉट वन ट्वेंटी नाइन डॉट नाइन्टी फाइव डॉट टू थ्री टू उसके बाद यूज़र नेम स्पेसिफाई करने के लिए हाइफन स्मॉल यू अपना यूज़र नेम है रूट और एंटर ये बिना पासवर्ड प्रॉम्प्ट किए अभी सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी ये सर्वर से कनेक्ट हो गया है तो अभी ये जो माई एस सर्वर है इस पर कौन कौन से डेटा अभी करेंटली होस्टेड है वो चेक करने के लिए कमांड है शो डेटा बेसिस फिर सेमी कॉलन ये क्वेरी को एंड करने के लिए सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है एंटर हम लोग देख सकते हैं जो रिज़ल्ट आया वो हमें दिखा रहा है कि ये जो सर्वर है उस पर चार डेटाबेस करेंटली होस्टेड है पहला डेटाबेस जो है वो एच का डेटाबेस है तो उस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आ, क्वेरी लिखना पड़ेगा कनेक्ट सी ओ एन एन ई सी टी कनेक्ट एच टी बी सेमी कॉलर ये थोड़ा स्लो हो रहा है कनेक्ट करने के लिए अभी वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है तो देखते हैं कि ये एच टी बी डेटा बेसिस पे कितने टेबल्स हैं तो टेबल्स चेक करने के लिए टाइप करना है शो टेबल्स सेमी कॉलन एंटर तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि दो टेबल्स का रिप्लाई आया है एक है कॉन्फिग और दूसरा है यूज़र तो एक, एक करके हम दोनों टेबल चेक कर लेते हैं शायद इन्हीं में से किसी में अपना फ्लैग हो गया तो पहले कॉन्फिक टेबल देखते हैं तो कन्फिक टेबल का कंटेंट सारा कंटेंट चेक करने के लिए टाइप करना है सिलेक्ट सी एल ई सी टी स्टार फ्रॉम कॉन्फिक तो ये जो स्टार हमने दिया ये कन्फिक टेबल का जितने भी कॉलम्स और रोज हैं सारे अपने को शो करेगा फिर एंटर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपने पास एक टेबल का रिजल्ट आया है जिसमें कि फिफ्थ रो पे अपने को फ्लैग मिल गया तो और कोई टेबल चेक करने का ज़रूरत नहीं है बस यही फ़्लैग को कॉपी करना है और फिर यहाँ जाके पेस्ट और सबमिट सक्सेसफुल्ली हमने ये सीक्वल मशीन को भी अभी क्रैक कर लिया कॉन्ग्रेचुलेशन हैक द बॉक्स के एक और मशीन को सक्सेसफुल्ली हैक कर दिया है इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के और हैकिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा थैंक यू टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग